हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठक के। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लेम फोटोमीटर का एप्लीकेशन और एडवांस। ठीक है, इससे पहले दो वीडियो अपलोड हो चुका है। एक में हम लोग नॉर्मल इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल देखे थे, सेकंड में हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन का पूरा डिटेल्स पार्ट देखे थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन। कई बार क्या होता है, 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में आपका एप्लीकेशन पूछता है फ्लेम फोटोमीटर के लिए। ओके, सो फ्लेम फोटोमीटर इज यूज इन एनालाइज ऑफ एल्काली एंड एल्कली मेटल, जो ऊपर पढ़े थे हम लोग। ओके, देन फ्लेम फोटोमीटर हैज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एप्लीकेशन। ठीक है, इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट सोडियम एंड पोटेशियम इन ग्लास मेटल। ओके, इट इज यूज टू एस्टिमेट सोडियम पोटेशियम कैल्शियम लिथियम एटसेट्रा इज सेरियम इन सेरियम यूरिन CSF एंड अदर बॉडी फ्लूइड। ओके, इट इज यूज टू डिटेक्ट सेटेड मेटल इन सीमेंट सैंपल एंड इट इज़ यूज फॉर एनालाइज ऑफ वेस्ट वाटर टू डिटेक्ट एल्काइल एंड एल्कलीन अर्थ मेटल। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटनेस वाटर वाटर का जो हार्डनेस है उसको निकालने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ओके, देन एडवांस एडवांस में क्या है, दो टूब है, फ्लेम इज नॉन टर्मिनेंट एंड फ्लेम इज नॉइसलेस एंड स्टेबल। ओके, तो ये था एप्लीकेशन एंड एडवांटेज। तो फ्लेम फोटोमीटर के तीनों वीडियो को आप लोग अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि फुल डिटेल्स नोट्स हैं फ्लेम फोटोमीटर के। ठीक है, तो इनसे आपको नॉर्मल इंट्रोडक्शन पूछ सकता है, प्रिंसिपल पूछ सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन के अलग अलग पार्ट पूछ देता है जो हम लोगों ने पढ़े हैं यहाँ पे। ठीक है, न्यूबलाइजर है, फिल्टर है, डिटेक्टर है। कई बार क्या होता है कि पूरे इंस्ट्रूमेंटेशन ना पूछ करके कभी कभार मोनोक्रोमेटर पूछ देंगे फिल्टर का, कभी न्यूबलाइजर एटोमाइजर पूछ देंगे, कई बार डिटेक्टर पूछ देते हैं सिर्फ सिंगल में। ठीक है, तो इसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर रहना और एप्लीकेशन एडवांटेज के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर रहना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।